Hello, this is Sonia Vadaya. Today I am delivering the grammar topic of pronoun. Let's start. A pronoun is a word which used instead of a noun. Instead of a noun means noun ki jagah par use kiye jaate hain. Naam mein bhi pronoun hai. To jo chote bachche hain wo is shabd se hi pehchan sakte hain ki jisme jo noun ki jagah pe use kiya jayega. That is called pronoun. अब मैं आपको यहाँ एक example दिखा रही हूँ. Ram is a good boy. Earlier video में मैंने आपको बताया था कि noun क्या होते हैं. According to the naming word, जितने भी naming words होते हैं वो noun होते हैं. तो Ram यहाँ पर noun है. He is my son. जो he है बेटा, ये ही और माई जो यहाँ दो आपके वर्ड्स हैं, ये राम के जगह पर यूज़ किए गए. राम की जगह पर यूज़ किया गया ही और माई सन. माई जो है डिनोट कर रहा है कि मेरा बेटा है, पोजेशन दिखा रहा है. ये मैं आपको काइंस बाद में बताऊंगी. अभी आप ही और माई प्रोनाउन हैं, लेकिन जो ही है वो ही केवल राम की जगह पर यूज़ किया गया है, तो इसीलिए ये प्रोनाउन हुआ. आगे देखिए, सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. शी लिव्स इन दिल्ली. शी जो यूज़ किया गया बेटा वो सीता के लिए यूज़ किया गया है, तो इस हिसाब से जो शी है वो भी प्रोनाउन है. अ डॉग इज अ पेट एनिमल. इट बार्क्स एट नाइट. इट यहाँ पर डॉग के लिए यूज़ किया गया है. इट मीन्स इट जो है ये भी यहाँ पर प्रोनाउन है. तो हम ही, इट एंड शी, ये तीनों जो है यहाँ पर राम, सीता और डॉग की जगह पर यूज़ किए गए हैं, ये प्रोनाउन हैं. इनके अलावा भी प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं. ही, शी, इट, वी, आवर, अस, दे, बहुत सारे होते हैं. देयर, ठीक है. तो इन ये अलग अलग काइंड्स के अंदर आते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ. अभी आप इतना ही जान लीजिए कि प्रोनाउन जो है वो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो नाउन है वो बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम मेरा बेटा है, राम खाना खाता है, राम खेलता है. हम बार बार हम राम को या सीता को या किसी भी नेम को नहीं बोल सकते. ऐसा बोलने से जो अनकम्फर्टेबल भी होता है और जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे वो ब्यूटीफुल नहीं लगते हैं. तो ये भी एक वजह है बेटा जो हम नाउन का बार बार रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं. तो प्रोनाउन जो है बेटा इनके 11 काइंड्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन. उसमें फर्स्ट है बेटा पर्सनल प्रोनाउन. नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल. ये वो प्रोनाउन होते हैं बेटा जिनमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते हैं. अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं? अगर मैं हूँ तो मैं और मेरी फैमिली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल से समझा रही हूँ कि मैं हूँ, मेरी फैमिली है, वो पहले है. पहले है मीन्स फर्स्ट पर्सन, ठीक है. आप जिससे मैं बात कर रही हूँ वो है सेकंड पर्सन. अब हम दोनों के अलावा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या हम किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाता है थर्ड पर्सन. तो पहले मैं, फिर आप और फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. इससे ये बहुत इजी वे है, आपको एग्जांपल है समझने के लिए. और ये जो प्रोनाउन है इन्हें एक बार आप देखिए. पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं आई, मी, ही, शी, वी, अस, इट, दे, देम, यू. और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं बेटा. जैसे कि आई जो है वो सिंगुलर है, वी उसका प्लूरल बन जाता है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहते हैं, और ही, शी, इट ये सिंगुलर है. इन तीनों के स्पेस पर बेटा, इनकी जगह पर दे जो है वो प्लूरल बनकर आ जाता है. तो ये है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन आते हैं. सेकंड जो हमारा काइंड है वो है पोजेसिव प्रोनाउन.
पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है बेटा अधिकार जमाना, अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर, या अपनी बात को हम जब साबित करने के लिए भी अपने आप पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, दैट इज वहाँ जो अधिकार जमाया जाता है उसी को हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, लाइक माइन, आवर्स, योर्स, हिज, आर्स, देयर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। लाइक दिस चौक इज माइन, ये चौक मेरी है, यानी इस चौक पर मेरा अधिकार है। इसी तरह ये अपने जो सब्जेक्टिव केस है उनके साथ यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है किसी भी चीज़ की ओर या किसी भी पर्सन की ओर हम जब इंडिकेट करके कोई बात कहते हैं, इशारा करके या संकेत करके जब भी हम कोई बात कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके लिए ये यूज़ होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। आप लोगों ने नॉर्मली दिस, दैट, दीज, दोज बच्चों को बताए जाते हैं, सच और द सेम भी डेमोंस्ट्रेटिव के अंदर ही आते हैं। अब दिस जो है वो सिंगुलर के लिए और वही प्लूरल के लिए हम दिस यूज़ करते हैं। ऐसे ही दैट सिंगुलर के लिए और दोज हम इसकी जगह पर प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। अब हम कुछ जैसे बोल देते हैं कई बार, द सेम थिंग इज़ दैट, द सेम थिंग इज़ दैट मीन्स हम किसी बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसी ही वो बात है, तो द सेम, सच इन केस ऑफ दिस। तो इस तरह से ये जो एग्जांपल है ये डेमोंस्ट्रेटिव के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बेटे हमारा जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जो किसी ग्रुप में से या किसी खास जो समूह है उसमें से किसी एक को दूसरे से किसी भी बात में अलग करता हो, जैसे ईच, इधर एंड नीदर, ये इसके एग्जांपल हैं। ईच का मीनिंग होता है बेटा दो या दो से ज़्यादा लोग, इधर दो या दो से ज़्यादा लोगों में से कोई एक, और निडर दो या दो से ज़्यादा या कोई भी कितना ही बड़ा समूह क्यों ना हो उनमें से कोई भी नहीं, ये इसका मीनिंग है। और ये हमेशा एज अ सिंगुलर यूज़ होते हैं, ईच, इधर एंड निडर, जैसे आपकी स्पेलिंग है वैसी ही हमेशा यूज़ होती है। इसके एग्जांपल देखिए बेटा, ईच ऑफ द बॉयज वॉन द प्राइज, यहाँ पर जो बॉयज़ है वो प्लूरल नाउन में है और प्लूरल नाउन से पहले हमेशा हम द को यूज़ करते हैं, लेकिन ईच में, ईच के स्पेलिंग में कोई भी अंतर या चेंज नहीं होता है। अब ये सिंगुलर का एग्जांपल देखिए, ईदर ऑफ यू कैन स्टे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ईदर रोड लीड टू द स्टेशन। फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें दो आते हैं बेटा, ईच अदर एंड वन अनदर। इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, एक बहुत इजी वे आपको बता देती हूँ। आप लोगों को बिटवीन और अमंग का डिफरेंस मालूम होगा। बिटवीन मीन्स दो लोगों के बीच एंड अमंग दो से ज़्यादा लोगों के बीच, यही डिफरेंस इन लोगों का भी है। दो लोगों की जहाँ बात हो रही होगी वो ईच अदर, दो से ज़्यादा की जहाँ बात हो रही होगी वन अनदर। ईच अदर को रिमाइंड रखने के लिए, याद रखने के लिए आप लोग बिटवीन से को रिलेट कर सकते हैं और वन अनदर को अमंग से। इसका बिटवीन का और अमंग का रेसिप्रोकल प्रोनाउन से कोई लेना नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए आपको ये चीज़ बता रही हूँ मैं। ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये बताते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को भी, ठीक है बेटा, ये पारस्परिक संबंध बताते हैं आपस में। इसके एग्जांपल देखिए बेटा, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां जो आपस में प्यार करती हैं। वी ऑल, वी मीन्स दो से ज़्यादा लोग हो गए यहाँ पे, लव वन अनदर, ये इसके एग्जांपल हैं। ईच अदर, बिटवीन, वन अनदर, अमंग, याद रखने के लिए केवल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उससे नेक्स्ट है सेवन पॉइंट हमारा एम्फैथेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है बेटा, दोनों की जो पहचान है वो सेल्फ है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ आपको।
सेल्फ और सेल्फ्स, एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल जो है ये हम सेल्फ यूज करते हैं जहाँ वो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं और एम्पैथेटिक प्रोनाउन को हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट के लास्ट में हम सेल्फ जो है उसे यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। पहचान बता रही हूँ बेटे आपको, ही डू हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम खुद किया या वो अपना काम खुद करता है। एम्फैथेटिक प्रोनाउन में प्रेशर दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है कि सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट कोई भी है उसे अपना काम खुद ही करना है। लाइक ही हिमसेल्फ कम हेयर, वो वहाँ यहाँ खुद आया, उसे आना पड़ा, ठीक है। ही आवर सेल्फ, सॉरी वी आवर सेल्फ फिनिश दिस वर्क, हमने अपने काम को खुद पूरा किया। तो एक तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जहाँ सेल्फ यूज हो जाता है इसे एम्फैथेटिक प्रोनाउन बोलते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान है कि हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। इस पर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी है उस पर प्रेशर दिया हुआ होता है, इसीलिए हम तुरंत, जैसे हम हिंदी में भी नॉर्मली बोल देते हैं कि मैंने अपने काम को खुद पूरा किया, ठीक है, और मुझे अपना काम खुद पूरा करना पड़ा। यही अंतर इनमें इंग्लिश में भी है, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक में। बेटा हमारा आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन मीन्स जिसमें ये सारे जो आपके प्रोनाउन है ये आते हैं, लाइक एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ऑल, लिटिल, सम, एनी, बोथ। और इनके अलावा आपको याद रखने के लिए बता देती हूँ, एवरीबडी के साथ समबडी, एनीबडी, एवरीवन के साथ भी ऐसे ही समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीथिंग के साथ समथिंग, नथिंग, ऐसे आप और ऐड कर सकते हैं, याद रखने का तरीका बता रही हूँ। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, देखिए, समवन स्टोलेन माय वॉच। अब इसमें काम तो हुआ है बेटा कि घड़ी जो है वो चोरी हुई है, लेकिन किसने चोरी की है ये डेफिनेट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए समवन जो है ये इनडेफिनेट का एग्जांपल है। एवरीवन बिलीव्ड हिम, ठीक है बेटा, तो एवरीवन जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन का एग्जांपल है। नाइन्थ बेटा हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव यानी कि रिलेशन बताने वाला जो प्रोनाउन होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ मैंने आपके साथ तीन प्रोनाउन एक साथ लिए हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, तीनों कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं आपको तीनों को एक साथ लेकर समझा रही हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर कर सकूँ। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन दोनों ही में डब्ल्यू एच फैमिली आती है। अगर डब्ल्यू एच फैमिली आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है जो डब्ल्यू एच लेटर से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे कि वॉट, हाउ, हाउ में भी डब्ल्यू एच आता है बेटा, ऐसे और भी हैं, लेकिन क्वेश्चन जो जिनसे हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू एच फैमिली। वॉट, विच, वेयर, वैन, ये जो सारे आते हैं डब्ल्यू एच फैमिली में होते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपको मालूम ही है कि क्वेश्चन पुटअप करने के लिए, और इसका एक साइन होता है क्वेश्चन मार्क, ये भी इसकी पहचान है। तो क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम डब्ल्यू एच फैमिली को यूज़ करते हैं, लाइक हु आर यू, वॉट इज़ योर नेम। आई थिंक इंटरोगेटिव प्रोनाउन समझ में आगे होगा। ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपस में संबंध बताते हैं, जब डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आकर दो सेंटेंसेस की या दो बातों को जब जोड़ देती है तो वो डब्ल्यू एच फैमिली होती है और ये रिलेशन बताती है, इसीलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। दिस इज द हॉर्स, एक सेंटेंस है कि ये घोड़ा है, और वॉन द रेस, उसने रेस जीती है, तो किसने जीती है, विच, क्योंकि हॉर्स क्योंकि एनिमल है और एनिमल के लिए हम विच का यूज़ करते हैं, विच वॉन द रेस। यहाँ पे जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो रिलेशन बता रही है रेस का और हॉर्स का, ठीक है बेटा।
ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउन है, जब हम व्हाट को लेकर एक्सक्लेमेशन मार्क और किसी भी सरप्राइज को जो दिखाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं। और व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसमें, इसकी पहचान होती है। और ये सरप्राइज दिखाता है कि कितना सुंदर जो है ये सीन है। तो ये थे बेटा आज आपके प्रोनाउन। उम्मीद है बेटा आपको प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय।